अस्सलाम वालेकुम क्लास। नाउ आज हम लोगों ने फोर्थ टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है वो डिस्कस करना है, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली आपके पास कंपाउंड एक्सप्रेशन के ऊपर काम करता है। नाउ व्हाट इज कंपाउंड एक्सप्रेशन, जिसके अंदर एक से ज्यादा मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज हो। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज हो उसको आप कंपाउंड एक्सप्रेशन बोलते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर के पास वो सिंबल्स होते हैं जो दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर का आंसर भी या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। आप लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से इवेल्युएट करेंगे बेसिकली कंडीशंस को रिलेशनल ऑपरेटर वाली, लेकिन उन रिलेशनल ऑपरेटर की जो कंडीशंस होंगी वो एक से ज्यादा होंगी। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नोट। एंड के अंदर जो सिंबल यूज होता है वो इसको आप ये देखें डबल एंड, देन और के लिए आप दो स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं, इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। और नोट के लिए आप ये एक्सप्लेनेशन साइन यूज करते हैं। नाउ एक एग्जांपल करते हैं जहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैंने आपको कहा लॉजिकल ऑपरेटर का आंसर भी या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। द सेकंड थिंग इज लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आपके पास एक से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं। तो अगर मैं कहूँ आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यू आपके पास 100 है, y की वैल्यू 50 है और z की वैल्यू भी 100 है। तो ये आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है एंड ऑपरेटर की यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स मोर देन वन। तो ये देखिए आप x इज लेस देन y, देन एंड y इज लेस देन z। तो इसके अंदर नंबर वन रिलेशनल ऑपरेटर है x इज लेस देन y, नंबर टू रिलेशनल ऑपरेटर है y इज लेस देन z। और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने ऑपरेटर यूज किया है ये वाला, जो कि क्या है एंड ऑपरेटर है। अब जब एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड ऑपरेटर के अंदर अगर तो दोनों कंडीशंस का आंसर ट्रू आएगा तब आपके पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका आंसर जीरो आएगा। मतलब कि अगर मैं कहूँ कंडीशन नंबर वन कंडीशन नंबर टू ट्रू ट्रू होगा तब आंसर ट्रू आएगा, अगर पहली कंडीशन का आंसर ट्रू दूसरी का फॉल्स आ गया तब आंसर फॉल्स आएगा, देन अगर पहली फॉल्स हो जाए और दूसरी ट्रू हो जाए तब भी आंसर फॉल्स आएगा, और ऑब्वियसली बात है अगर दोनों फॉल्स होंगी तब भी आंसर फॉल्स ही आएगा। तो फॉर एंड ऑपरेटर आपके पास आंसर ट्रू सिर्फ किस केस में आएगा, जब दोनों वैल्यूज का दोनों कंडीशन का आंसर ट्रू होगा। तो ये देखिए एक्स इज ग्रेटर लेस देन वाई, एक्स की वैल्यू है 100, वाई की वैल्यू है 50, 100 इज लेस देन 50, नो इसका आंसर क्या हो गया फॉल्स। एंड y इज लेस देन z, मतलब कि 50 इज लेस देन 100, तो इसका आंसर आपके पास ट्रू आता है। लेकिन पूरे सिंबल का आंसर, पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आपके पास फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि हमने कहा एंड के अंदर आंसर ट्रू सिर्फ तभी आ सकता है जब आपकी दोनों कंडीशंस का आंसर जो है वो ट्रू आए। उसके बाद जनाब दूसरी बात करते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशन में से किसी एक का आंसर भी ट्रू आ गया तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। मतलब कि और की जब बात करें तो ट्रू ट्रू का आंसर तो ट्रू ही आएगा, ट्रू फॉल्स हो गया तब भी आंसर ट्रू आएगा, अगर पहली का आंसर फॉल्स हो गया दूसरी का ट्रू हो गया तब भी आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों आंसर फॉल्स आएंगे तब आंसर सिर्फ फॉल्स आएगा। मतलब ये दो कंडीशन आपके पास लिखी हुई है, इन दो कंडीशंस में से अगर किसी एक कंडीशन का आंसर भी ट्रू आ जाता है तो हमारा ओवरऑल आंसर ट्रू आएगा। फॉर एग्जांपल एक्स इज लेस देन वाई, मतलब कि 100 इज लेस देन 50, पहली कंडीशन का आंसर आपके पास आता है फॉल्स। दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे वाई इज लेस देन जी, दैट इज 50 इज लेस देन 100, इसका आंसर आपके पास आता है ट्रू। तो क्योंकि हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो और के अंदर एक का आंसर भी ट्रू आ जाए तो ओवरऑल आंसर क्या आता है ट्रू। तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट आएगा डेट विल बी ट्रू। उसके बाद जनाब नोट, नोट की बात करें तो अगर आपका आंसर ट्रू आया है तो नोट उसको फॉल्स कर देता है, और अगर आपका आंसर फॉल्स आया तो नोट उसको ट्रू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, मतलब के 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, इसका आंसर क्या आया है फॉल्स, 50 100 से ना तो बड़ा है ना ही उसके इक्वल है। लेकिन नोट की वजह से ये आंसर क्या बन जाएगा ट्रू बन जाएगा। तो आई होप सो कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर की समझ आ गई है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर है। इसके अंदर तीन टाइप्स आती है एंड और एंड नोट। एंड के अंदर दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है,
और के अंदर किसी भी एक का ट्रू होना जरूरी है, तब आंसर ट्रू आएगा। और नॉट जो है वो ऑपोजिट काम करता है, मतलब आपके आंसर को रिवर्स कर देता है। अगर आंसर ट्रू आए तो नॉट का आंसर फॉल्स आएगा, और अगर आंसर आपका ओरिजिनल में फॉल्स आया था तो नॉट गेट उसको ट्रू कर देगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था लॉजिकल ऑपरेटर का। इसके आगे आपके पास लिखी हुई है बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो आपको क्या बताती है, हमने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े हैं। हमने पढ़े हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन हमने पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर, देन हमने पढ़े हैं रिलेशनल ऑपरेटर, देन हमने पढ़ा है लॉजिकल ऑपरेटर। अब आपके पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली क्या बताती है कि अगर ये सारे ऑपरेटर एक दफा में भी आ जाते हैं तो वो आपका जो कंपाइलर है वो किस तरह से नंबर वन पे कौन सा काम करता है, नंबर टू पे कौन सा काम करता है, नंबर थ्री पे कौन सा करता है, नंबर फोर पे क्या करता है। ठीक है जनाब, ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।